विकास पथ की बात करते हैं तो तमाम चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन काशी की भव्यता इस वक्त देखते बन रही है। हम काशी कॉरिडोर की बात कर लें, काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की बात कर लें, या फिर वाराणसी की बात कर लें, बाबा की नगरी इस वक्त जगमगा रही है रोशनी से, महक रही है फूलों से और पूरे नगर को सजाया गया है। लेकिन 2014 का वक्त याद आता है, जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और आज वही माँ गंगा का बेटा काशी में विकास का पथ तैयार कर रहा है। काशी भगवान शिव की नगरी, जिसका जिक्र वेदों पुराणों में है। ये वही नगरी है जहां भगवान भोले शंकर का वास रहता है। कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ की ये नगरी काशी इतिहास से भी पुरानी है और यहाँ की परंपरा प्राचीन से भी पुरानी है। बदलते वक्त के साथ इस प्राचीन नगरी का स्वरूप भी बदल रहा है, जिसका क्रेडिट भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। और बदलती काशी का सबसे ताजा और अद्भुत उदाहरण है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ये प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिज्ञा ही है कि कुछ वक्त में ही शिव भक्तों की न सिर्फ परेशानी खत्म होने जा रही है, बल्कि भोले की नगरी का कायाकल्प हो रहा है। ये वही बदलती काशी है जहां पहले बाबा विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए संकरी गलियों से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने से माँ गंगा और शिव आमने सामने होंगे। यानी कि माँ गंगा के दर्शन के बाद भक्त बिना बाधा के सीधे बाबा विश्वनाथ मंदिर के धाम आ सकेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम की लाइटिंग को देखिए, श्री काशी विश्वनाथ धाम की अद्भुत छटा को देखिए। आपको ये जो द्वार है, जो गंगा के द्वार से सबसे पहला मंदिर चौक के पास वाला जो द्वार है, वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इस द्वार की लाइटिंग को देखिए, हर ओर आपको पूरी तरह से साज सज्जा और लाइटिंग दिखाई देगी। जो क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं, ये मंदिर चौक है। ये बाएं तरफ जो बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, ये प्रकाश वाली बिल्डिंग, ये बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग कही जा रही है। और दूसरी ओर की ये बिल्डिंग भी देखिए, जो पूरी तरह से प्रकाश से नहाई हुई है। तो मंदिर में लाइटिंग की जो व्यवस्था है, वो आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है। चाहे वो बाबा का मुख्य मंदिर प्रांगण हो, या फिर मुख्य द्वार हो, या फिर जो चारों द्वार हो, हर ओर आपको नीली और इसके साथ ही रंग बिरंगी लाइटें यहाँ पर सुसज्जित दिखाई देंगी। दरअसल सदियों से इस प्राचीन नगरी में देश विदेश से लाखों भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन अब यहाँ बन चुका कॉरिडोर अध्यात्म की यात्रा में अहम पड़ाव साबित होगा। इस वक्त हम मंदिर चौक पर खड़े हैं और ये मंदिर चौक वो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री के आगमन के दिन सारे कार्यक्रमों का आयोजन होना है। तो आप देखिए, ये मंदिर चौक पूरी तरह से बनकर तैयार, और अब यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो अपने अंतिम दौर में है, बल्कि यूं कहें तो यहाँ साफ सफाई का कार्य चल रहा है। ये कॉरिडोर अपने आप में अद्भुत है। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प सच होता नजर आ रहा है और काशी के लिए ये शुभ घड़ी करीब 240 साल बाद आई है। रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद अब पहली मर्तबा काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार हो रहा है, जिसे कई पीढ़ियां याद रखेंगी। इस वक्त हम बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य मंदिर परिसर में मौजूद हैं, और आप चारों ओर देखिए, ये जो दृश्य है वो आपको भी आकर्षित कर देगा। लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस लाइटिंग के बारे में, इस आकर्षण के बारे में क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले जो यहाँ के पुजारी जी हैं, पुरोहित हैं, उनसे जान लेते हैं। नाम जानेंगे आपका? विनोद पांडे। विनोद जी, किस तरह का आकर्षण? बहुत ही अद्भुत और अलौकिक। आप लोग बताइए, पहले भी आप लोग बाबा के धाम में आते थे दर्शन करने के लिए, तो इस बार अलग क्या लग रहा है, कितना आकर्षण? बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ये लाइटिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है, नीचे का फ्लोरिंग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। आप लोग बताइए, इस बार का आकर्षण किस तरह का?
लाइट है, सब है, फ्लोरिंग जैसे बता रहे हैं, प्रसन्न लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले क्या था और अभी किस तरह का बदलाव? पहले मैं पहली बार आई हूँ, इसके पहले मैंने देखा नहीं था, पर इनसे जब सुना तब पता चला कि पहले जब मंदिर था पुराना था, अभी बहुत सारी चेंजेस किया है, अच्छा बना है। मोदी जी ने ये बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट।